नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो अभी तुम्हारा शंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में स्वेस के मत का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम बात कर रहे हैं भूवैज्ञानिक स्वेस के मत के बारे में कि स्वेस ने क्या बताया। स्वेस ने अपने मत में यह कहा कि पृथ्वी की आंतरिक परतें जो हैं वो तीन हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतें तीन हैं और ऊपरी परत जो है उसके दो भाग हैं। उसे भी हम कल की तरह वृत्त से ही समझते हैं कि सबसे ऊपर पहला वृत्त यह है भू प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी। यह ऊपरी परत का ही एक भाग है की जो गहराई है वो 50 किलोमीटर तक बताते हैं। स्वेस जो है इसकी गहराई 50 किलोमीटर तक बताते हैं और बताते हैं कि इसका जो निर्माण है वो अवसादी चट्टानों से हुआ है जिसमें फेल्सपार की प्रमुखता है। इसके बाद ये जो इसकी आंतरिक परत बताते हैं, इसकी जो निचली परत है, इसके नीचे अब ये तीन परतें बताते हैं जिसमें पहली आती है सियाल, SIAL सियाल। ये इस परत का नाम सियाल बताते हैं और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इस परत में सिलिका व एल्यूमिनियम की प्रधानता होना। सिलिका का SI व एल्यूमिनियम का AL, जो कि उन दोनों के पहले दो अक्षर हैं, इन्हें मिलाकर इस परत का नाम रखा गया है सियाल। इसकी जो गहराई है वो इन्होंने बताई है 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक इन्होंने इसकी गहराई बताई है। और इसका घनत्व जो बताया है इन्होंने वो बताया है 2.9। घनत्व जो है वो 2.9 बताया है तथा इसमें चट्टानों की प्रधानता में ग्रेनाइट की चट्टानों की प्रधानता बताई है। स्वेस ने बताया है कि इस परत का निर्माण जो है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ है। इसके बाद की जो परत इन्होंने बताई है वो है सीमा, SIMA सीमा। ये मेंटल के रूप में इन्होंने बताई है, मेंटल का प्रतिरूप इन्होंने सीमा को बताया है। सीमा नाम इसलिए हुआ, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की प्रधानता है। सिलिका का SI व मैग्नीशियम का MA लेकर इस परत का नामकरण सीमा किया गया है। इस परत की जो गहराई है वो इन्होंने बताई है 1000 से 2000 किलोमीटर तक, 1000 से 2000 किलोमीटर तक इन्होंने इसकी गहराई बताई है तथा इसका जो घनत्व है वो इन्होंने 2.9 से 4.7 बताया है। 2.9 से लेकर 4.7 तक इन्होंने गहराई के साथ इसके घनत्व में परिवर्तन बताया है तथा इसके निर्माण में इन्होंने बताया कि सबसे प्रमुख चट्टानें जो हैं वो बेसाल्ट की आग्नेय चट्टानें हैं। बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से इन्होंने सीमा का निर्माण बताया है तथा इन्होंने ये भी बताया कि ज्वालामुखी के दौरान जो लावा बाहर निकलता है, जो मैग्मा बाहर निकलता है, उसका संग्रहण क्षेत्र भी, उसका भंडार भी क्या है, ये सीमा ही है। यहीं से वह लावा पृथ्वी के बाहर आता है तथा इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो प्लेटें संचालित होती हैं वे भी इसी भाग में संचालित होती हैं। अंतिम परत जो है भू प्रॉपर्टी, सियाल, सीमा और अंतिम आंतरिक भाग जो है ये केंद्र का, ये पूरा है निफे, ये पूरा भाग
अंदर का जो भाग है ये निफे है। इसका नामकरण भी इसमें प्रधान धातुओं के आधार पर हुआ है। सुरेश ने बताया कि इसके अंदर निकल व फेरियम, निकल व फेरियम की प्रधानता है, तो निकल का NI और फेरियम का FE लेकर इसका नाम रख दिया गया निफे। इसकी गहराई पृथ्वी के केंद्र तक है, तो पृथ्वी का केंद्र कितना है 6371 किलोमीटर, ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी। साथ में इन्होंने एक नई बात और बताई, बाकी किसी संरचना में किसी का व्यास नहीं बताया गया है, इन्होंने इसमें इसका व्यास बताया है 6880 किलोमीटर। निफे का जो व्यास है वो 6880 किलोमीटर बताया है, तथा इसका घनत्व जो है वो 11 बताया गया है, इसका घनत्व 11 बताया गया है। तथा सेस ने यह कहा कि फेरियम जो है वो लोहे का ही एक रूप है, फेरियम जो है वो लोहे का ही एक रूप है। इससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है इसके कोर में, इसके केंद्र पर लोह तत्व की प्रधानता है, जिससे यह भी प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के गर्भ में चुंबकीय प्रभाव पाया जाता है, और इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण पृथ्वी की गति में स्थायित्व तो बना रहता है, और पृथ्वी का यह संगठित स्वरूप भी बना रहता है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग इसके चारों तरफ के भाग को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, जिससे एक खिंचाव बना रहता है और पृथ्वी बिखरती नहीं है। इसके पीछे भी निफे में फेरियम का होना सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, और इसे इन्होंने भी जेली अवस्था में माना कि पृथ्वी का केंद्र जो है वो जेली अवस्था में, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी के ऊपरी पदार्थों का उस पर दबाव बनते रहना और अत्यधिक गर्मी का होना, जिससे वह द्रव अवस्था में बदलना तो चाहता है लेकिन दबाव की वजह से बदल नहीं पाता, इसलिए वो जेली अवस्था में रह जाता है। तो ये सेस का मत था। सेस के मतानुसार सबसे ऊपर भूपपैटी जो औषधि चट्टानों से बनी है, सियाल जो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है, सीमा बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से बनी है, और निफे निकल व फेरियम से मिलकर बनी है। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्वेस के मतानुसार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।